चालू जनाब हम आपसे हाँ जी ना ना जो आप वो तो वर्दन आप देंगे चलो मार्क्स सुल्तान मिली ना सुल्तान मिलने का ग्राउंड वो मतलब एक्टिविटी अभी तेज कर दी जरूर तुरंत ही छह के बच्चों बारे में जानकारी है। हाँ जी इसी ने बता था नवीन ने बताया था मार्को जी। अच्छा भैया हम वहाँ से भाग जाए देखे सुरेश जनाब ने मैंने अच्छा तो ये गाड़ी लेकर वो यहाँ से भाग लिए। अच्छा आप आए थे? हाँ आई थी। अच्छा और आगे गाँव में जाके पकड़ यहाँ डोबे पुल के पास पकड़ने की कोशिश करी तो ये वहाँ से निकल गए। अच्छा फिर आगे ग्रीन वैली स्कूल के पास भी वही सरकारी गाड़ी अड्डा आई वहाँ तभी निकल गए जी। आगे फिर बहादुरपुर और सिंहपुर बीच में वो है जी रबजाया जी वहाँ पकड़े फिर ये। अच्छा आप क्या नाम है? मेरा रोहित नाम है जी। क्या काम करते हैं? यह चाय की दुकान है मेरी। वहाँ ये ईंट मारने लगे और जिप जाके पकड़े गए। आप भी उनमें थे पकड़वाने? हाँ पकड़ने खुद मैंने पकड़े आपने और मुलाजिम ने पकड़े थे। ठीक ठीक। हाँ जी बड़ी बात हुई काम किया आपने तो। हाँ जी आपने जान जोखिम में डाली है वो आपको ही मार्च में थे असला दिखाया था जी बार बार भैया इसको तो मैं बढ़ा लिया और ईट भी हो करे थे जी ईट भी मारी आप गाड़ी बिठा कर मिल गया। हाँ जी आपने इंचार्ज साहब ले गए गाड़ी बिठाया गाड़ी इंचार्ज साहब का नाम है सतपाले जी एसआई। अच्छा उनकी मदद ले गए आपने उनको पकड़ लिया? हाँ जी पकड़ लिया जी। कुछ पता लगा कहाँ के हैं? एक तो बता रहा जी कैथल का और एक इसका जी बहादुरगढ़ का बहादुरगढ़ का मुरथल का जी मुरथल का जो मरने वाला। कितने थे ये आदमी? ये चार भी हो सके पांच भी हो सके। तो जो गाड़ी में आपने रजवाई से पकड़े हैं कितने थे? वहाँ से तीन पकड़े हो जी। एक मर गया? हाँ जी चार। हाँ एक शायद फरार हो रहा है। ठीक है यहाँ पे कोई वारदात तो हुई आपने कुछ पता है इसके बारे में? बाबूजी तो बता गया बाबूजी की बात अलग है ना आप बताओ पता नहीं। नहीं आप मौके पे यहाँ थे आसपास में हो तो साफ थोड़ा थे आप थे कहाँ के हो आप? उरलाने के काम के। नमस्कार सर जी। सर जो आज ये उरलाना में ये घटना घटी है ये कैसे क्या हुआ था? देखिए सुबह हमें सूचना मिली है एक लड़का गिर गया है उसके कुछ उसके साथी उसके साथ थे अभी मामला वेरीफाई कर रहे हैं जी बताइए जी। इसमें कोई गिरफ्तारी भी की है जी? अभी कुछ लोग हिरासत में हैं हम पूछताछ कर रहे हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? वो सारी चीज़ें अभी वेरीफाई कर रहे हैं जी। जो इसमें कोई नहर में फेंक दिया है वो बरामद हुआ है या नहीं? अभी देखिए उसकी तलाश जारी है जी। ठीक है सर।